अगर आप जो मार्केट वाली महंगी से महंगी क्रीम ही लगाकर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा आपकी स्किन पे, और महंगे से महंगे सीरम जिन्होंने आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया, आपकी स्किन को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो आप लोगों के लिए एक ऐसा जो सीरम बनाऊंगी जिससे जो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, आपकी स्किन को जो है बहुत अच्छा ग्लो मिलेगा और जो आप वाकई देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और आपकी स्किन ढिलक चुकी है यानी कि आपकी स्किन लटक चुकी है, आपकी स्किन पे रिंकल्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। एक ऐसा जो है ऐसा सीरम बनाऊंगी और एक ऐसा रिव्यू दूंगी ऐसी चीज़ों का जिससे जो है आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो मिल सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी हाँ, यहाँ पे जो है हम चावल और ऐसी ऐसी चीज़ों से जो है इसका जो सीरम तैयार करेंगे, विटामिन सी सीरम जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा खूबसूरती देगा। और चावल जो कि कोरियन स्किन का एक ऐसा राज है जिसे जान के जो है आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसा सीरम तैयार होगा जो आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देगा और आपकी स्किन जितनी जो है ख़राब हो चुकी है, रफ़ हो चुकी है और आपकी स्किन जो है लटक चुकी है, आपकी स्किन अपनी स्किन को टाइट बनाना चाहते हैं, आप अपनी स्किन को जो है ग्लो देना चाहते हैं, तो बस हमारी आज की ये वाली वीडियो देखने के बाद आपकी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और आप जो है यकीन जानिए ये वाला सीरम अप्लाई करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक मंथ पे आपकी जो स्किन बहुत जो खूबसूरत हो जाएगी। तो इसको हमने जो है बनाना कैसे है, बस आपने जो प्रोसेस को जो है फुल देखना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चावलों को अच्छे से वॉश करना है और इनको जो है पानी इसमें डाल देना है। जब भी हम अपनी स्किन पे जो है कोई चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको अच्छे से वॉश कर लें ताकि उसमें जितनी भी जो है मिट्टी धूल है वो साफ हो जाए। इसके बाद आपको चाहिए एक ऑरेंज, इसको भी हम क्या करेंगे अच्छे से वॉश कर लेंगे। ऑरेंज जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है और हमारी स्किन को जो है बहुत अच्छा जो है खूबसूरती के साथ हमारे स्किन को नेचुरल ग्लो देता है। जैसे जो है हम विटामिन सी लेने के लिए क्या करते हैं, ऑरेंज के छिलकों को खुश करते हैं, फिर उसका आप मास्क तैयार करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑरेंज को पील ऑफ करेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी जस्ट और जस्ट एक दिन की मेहनत है, एक दिन की भी नहीं बल्कि आधे घंटे की मेहनत है। इसको आप आधे घंटे में बनाएं और पूरा महीना आप इसको अप्लाई करें। आपको अगर जो है ज़्यादा मेहनत से बचना है तो बस हमारे जो आज वाला ये सीरम तैयार कर ले और जो है आप अपने महंगे से महंगे सीरम को जो छोड़ देंगे और आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। नेचुरल ग्लो लेना चाहते हैं तो बस ये वाला जो है टिप्स जरूर अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपने जो चावल हमने भिगो के रखे थे इसमें जो है हम क्या करेंगे, जो हमने ऑरेंज को पील ऑफ किया है वो ऐड कर देंगे। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है वो भी आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। यहाँ पे जितने भी ऑरेंज को हमने पील ऑफ किया है तमाम का तमाम इसमें जो है ऐड कर देना है। अब हमें क्या करना है कि हम इसको जो है इसको जो हो रख देंगे और कितनी देर के रखने, अब 2 से 3 घंटे के लिए इसको बंद करके रख दें ताकि जितने भी चावल हैं और जो हमने ऑरेंज पील ऑफ करके इसमें ऐड किया है वो सारे के सारे जितने भी उसके बेनिफिट्स हैं वो सब जो है इसमें हल हो जाएं और चावल जो हमारे नरम पड़ जाएं। अब यहाँ पे देखेंगे कि चावल हमारे अच्छे से जो है नरम पड़ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं चावल को, और इन जो है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जितने भी चावल अच्छे तरीके से नरम हो जाएंगे उतना ही ज़्यादा इसके बेनिफिट होंगे। क्योंकि जितना भी चावलों को आप नरम कर लेंगे हमारी स्किन पे रैशेस नहीं देगा और बहुत ही सॉफ्टली और स्मूथली जो है ये अप्लाई होगा। अब आपको जो है एक मिक्सचर जार लेना है और इसमें हम जो अपना जितना भी हमने चावल और ऑरेंज को पील ऑफ किया था इन तमाम चीज़ को हम इसमें ऐड कर दें। यहाँ पे एक और बात भी आती है कि अगर आप इसमें रोज़ वाटर ऐड करना चाहते हैं पानी की जगह तो इसके और भी ज़्यादा बेनिफिट होंगे। और भी अच्छा इससे होगा क्या, आप एक खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और दूसरा क्या है इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आप लोगों को मिलेंगे और जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे। रोज़ वाटर के बारे में आप सभी जानते हैं रोज़ वाटर कितना ही अच्छा हमारी स्किन के लिए, इसमें
इसमें तमाम की तमाम प्रॉब्लम सॉल्व होंगी ऑयली स्किन वालों की भी, और जो है जिनकी स्किन जो है कम्बिनेशन में है या फिर जिनकी स्किन ड्राई। यहाँ पे कम्बिनेशन वाली स्किन या ऑयली स्किन या जिनकी स्काई जिन जिनकी जो स्किन है ड्राई है, सबके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगी कि उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करनी है। तो बस क्या हमने इसको जो है अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, अब इसको एक छलनी की मदद से हम इसको स्टेन कर लेंगे। आपने अच्छे तरीके से इसको निचोड़ देना है ताकि जितना भी इसका रस है वो जो है ख़त्म हो जाए और निकल आए। देन आपको क्या करना है, जो इसका जो गोदा निकला है इसको हम जो फेंकेंगे नहीं, एक स्क्रबर के तौर पर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन पे। इसको जो है आप इसे स्क्रबिंग करें, ये बहुत अच्छा होगा हमारी स्किन के लिए। जैसे जो है हम कोरियन स्किन वाली आप जो क्रीम बनाते हैं बिल्कुल वैसे ये भी तैयार, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और जो फाइन और स्मूथ तरीके से, ये भी एक हमारा मास्क तैयार हो गया है। आप इसको स्क्रबिंग करें और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है इसमें, अब यहाँ पे आप इसका जो है टेक्सचर देख लें और इसकी जो कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। यहाँ पे बात ये आती है वो लोग जिनकी स्किन पे जो है विटामिन ई के कैप्सूल जो है सूट करते हैं, क्योंकि आप अपनी स्किन पे कुछ ना कुछ तो अप्लाई ज़रूर करते होंगे, लेकिन आज ये वाली जो रेमेडी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, एक महीने तक अप्लाई करना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आपकी स्किन पे ये सूट करते हैं तो आप इसमें जो है एक जो है विटामिन ई का जो कैप्सूल ऐड कर दें। दूसरी बात यह है जिन लोगों की स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है वो इसमें जो है थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड कर दें। ग्लिसरीन की जो क्वांटिटी है बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम क्वांटिटी में। और दूसरी बात और ये है कि इसमें आप वाइटनिंग के कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 जो है वाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर दें। आपके पास कोई भी जो है सीरम वाली बोतल पड़ी है या वैसे आपके पास कोई भी जार पड़ा है तो आप वो ले सकते हैं, ताकि आप इसको सेव करके रख लें और ईजीली आप इसको अप्लाई करते रहें। तो इसको हम एक मिक्सचर जार में एक सीरम वाली बोतल में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको आपको अप्लाई किस तरीके से करने हैं, इसको अप्लाई करने के बाद आपको क्या क्या अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा जो सीरम है वो बन के जो है रेडी हो चुका है, और जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे आपको सबसे पहले तो इसको शेक वेल करना है, क्योंकि जो इसमें हमने चावल ऐड किए हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, उसका जितना पेस्ट होगा वो नीचे बैठ जाएगा, इसलिए पहले आप लोगों ने इसको शेक वेल करना है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब आपको अपनी स्किन पे इसको हर नाइट में आपको अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करना है। आपको 2 से 3 ड्रॉप आपने ले लेने हैं बस, और अपनी पूरी स्किन पे गर्दन तक, अपने हाथों पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और गर्दन तक आपने इसको जो है अप्लाई करना है और अपनी स्किन में अब्सॉर्ब करना है। जब भी सीरम, कोई भी सीरम अप्लाई करें तो ये वाला तरीका ज़रूर अप्लाई करें, आपने अपनी स्किन पे जो टप 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 करके इसको जो बिठाना है ताकि आपकी स्किन में ये अब्सॉर्ब हो जाए। तो आप अच्छे तरीके से आप इसका मसाज कर लें, करने के बाद आप इसको छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद आपको जो और चीज़ों का रिव्यू देने वाले हूँ कि वो आपके स्किन पे कितना अच्छा ग्लो देने वाली हैं। बस हर नाइट में आपको ये वाला लगाना है, और बाकी जो है आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने जो है वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ, तो ये वाला जो सीरम है बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिजल्ट मिले हैं, काफ़ी लोगों ने इसको अप्लाई किया है। तो यहाँ पे जो है मेरी पहले वाली भी वीडियो जिसमें मैंने जो है एक टोनर तैयार किया, यानी कि एक और सीरम तैयार किया ज़ीरे का, वो आप इसको देख सकते हैं, फेस वॉश तैयार किया, और आज जो है हमने सीरम तैयार किया। इन जो है सारी चीज़ों को अगर आप अप्लाई करते रहें तो आपको जो है नेचुरल ब्यूटी ज़रूर मिलेगी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।